मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही जिला पदाधिकारी ने कार्यस्थल पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री का कल 9 तारीख को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जी, कल 9 तारीख को प्रस्तावित है कार्यक्रम जी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग हेलीपैड का निर्माण करवा रहे हैं जी। बैरिकेटिंग हो रहा है। कल कितने बजे आएंगे सर? कल 11 बजे खोल रहा हूँ। कौन से जगह में सर? ये वनगांव आरएनएम हाई स्कूल फील्ड में। अच्छा, कुछ पता क्या क्या कार्यक्रम होना है, कहाँ जाना, कुछ ऐसा जानकारी? वो हम लोगों को जो जानकारी है कि जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के घर में जाएंगे। क्या जाएंगे, क्या नाम हो सर आप? मधुसूदन कुमार कर्ण, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल मुंगेर। धन्यवाद सर। आपको बता दें कि मुंगेर जिले के तारापुर के दिवंगत जदयू विधायक मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमरगामा पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है। रणगांव उच्च विद्यालय के मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां से सड़क मार्ग से स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के कमरगामा आवास जाएंगे। अनुमंडल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बाबत लगातार समीक्षा की जा रही है। इस दौरान जिला अधिकारी ने कुछ समस्या पाई, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। संभावित कार्यक्रम है, उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे तैयारी देखने आए हैं। हेलीपैड और बाकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको हम लोग देखने आए हैं, और सभी व्यवस्थाएँ कल तक कर ली जाएंगी। जैसे ही प्रोग्राम फाइनल होगा उसके बाद और जो अन्य व्यवस्थाएँ वो हम लोग करवाएंगे। क्या कार्यक्रम होगा सर उनका? कार्यक्रम अभी डिटेल आया नहीं है, संभावित कार्यक्रम है। जैसे ही कार्यक्रम डिटेल आएगा फिर आप लोग बताएंगे। मुंगेर के डीआईजी जिला अधिकारी नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक जे रेड्डी, उप विकास आयुक्त समेत आला अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल और कमरगामा तक के रास्ते का मुआयना किया। कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और इस बाबत पर अधिकारियों को निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।